तो सीएम और गृह मंत्री विज अब सीआईडी विभाग को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट पर सीआईडी विभाग सीएम के अधीन दिख गया। तो वहीं अनिल विज का कहना है कि एक विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इस रिपोर्ट में देखिएगा, ये देखिए हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर मंत्रियों को मिले विभाग पर नजर डालेंगे तो सीएम के अधीन वाले सभी विभाग भी दिखेंगे। लेकिन सीएम और गृह मंत्री के बीच जो सारा मामला है वो है 12 नंबर पर मौजूद इस विभाग का, सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सरकारें वेबसाइट से नहीं चलती, सरकारें रूल ऑफ लॉ से चलती हैं। वेबसाइटों से नहीं चला करती, सरकारें चलती हैं रूल ऑफ लॉ से। और हरियाणा बिजनेस ऑफ एलोकेशन में पेज नंबर 30 पर होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत रूल 5 में साफ लिखा हुआ है कि सीआईडी इसका अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं, विज ने कहा कि कानून के मुताबिक सीआईडी विभाग गृह मंत्रालय का अभिन्न अंग है। हालांकि विज ने ये भी कहा कि वैसे तो सीएम सुप्रीम है और अगर वो विभाग बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें कैबिनेट और विधानसभा में इसे पास कराना होगा। वैसे मुख्यमंत्री जी सुप्रीम होते हैं, वो चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, पर बदलने के लिए पहले कैबिनेट में पास करवाना पड़ेगा, फिर विधानसभा में पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद इसको बदला भी जा सकता है। और आज की तारीख तक तो कोई ऐसा चेंज हुआ था। यानी ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि अब सीआईडी विभाग को लेकर सीएम और गृह मंत्री विज आमने सामने हैं, क्योंकि हाल ही में सीआईडी विभाग को वेबसाइट पर अपडेट कर सीएम के अंतर्गत दिखाया गया, जिस पर अनिल विज ने साफ शब्दों में न सिर्फ नाराजगी जाहिर की बल्कि ये भी कह दिया कि बिना कैबिनेट और विधानसभा में पास किए विभाग ऐसे नहीं बदले जा सकते हैं। जनता टीवी के लिए अम्बाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। पवन सिवर, जिस तरह से इंटरनेट पर यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सीआईडी विभाग जो है वो सीएम के अधीन आ रहा है, लेकिन अनिल विज ने जो कुछ कहा, अपडेट्स क्या कुछ हैं आपके पास ताजा? देखिए, बयानबाजी जो है वो एक अलग बात है, लेकिन जो टेक्निकली जो चीजें हैं, तकनीकी तौर पर जो चीजें हैं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और जो हरियाणा सरकार की वेबसाइट है, हरियाणा विधानसभा की जो वेबसाइट है, उसमें जो विभागों का आवंटन है, किसके पास कौन से महकमे की जिम्मेदारी है, उसमें स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास सीआईडी की जो जिम्मेदारी है, सीआईडी जो विभाग है, क्रिमिनल जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है यानी सीआईडी जो है उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री के पास जो तमाम विभाग है उनमें 12वें नंबर पर स्पष्ट लिखा है कि ये महकमा मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज लगातार जो है वो सीआईडी की रिपोर्टिंग या सीआईडी विभाग जो है वो खुद के पास होने की बात कर रहे हैं। और जो सीआईडी काम कर रही है ठीक से नहीं कर रही है, या हरियाणा की सीआईडी ठीक फिसड्डी जो है वो बता रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि अनिल विज जो वो अपने बयानों के आधार पर जिस तरीके से लगातार दावा कर रहे हैं कि सीआईडी महकमा उनके पास है, लेकिन जो मंत्रियों के आवंटन की जो नोटिफिकेशन हुई थी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और उसके बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो है वो मंत्रियों के जो विभागों का आवंटन हुआ, उस नोटिफिकेशन में मुख्यमंत्री के पास जो जो विभाग थे उनका जिक्र करते हुए ये लिखा गया कि इसके अलावा जो महकमा किसी मंत्री के पास स्पेसिफिक नहीं है उनकी सूची में, उसका चार्ज मुख्यमंत्री के पास है। इसी तरीके से अनिल विज के जो महकमे हैं उनमें लिखा गया कि होम इनके पास है, हेल्थ इनके पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास है, अर्बन लोकल बॉडी इनके पास है, लेकिन स्पेसिफिक जो सीआईडी है यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसका जिक्र उस सूची में नहीं है। लेकिन अनिल विज ये मान रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट जिनके पास है, रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक जिनके पास होम है उसके पास ही सीआईडी का जिम्मेदारी चार्ज जो है वो रहता है। लेकिन इससे पहले इसके ऊपर भी गौर करना जरूरी है, जब चौधरी देवीलाल की सरकार थी, चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, चौधरी भजनलाल की सरकार थी, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस वक्त उनके कार्यकाल में जो जो होम मिनिस्टर रहे उस वक्त स्पेसिफिक ये लिखा गया कि होम मिनिस्टर विदाउट सीआईडी, और जो सीआईडी का चार्ज था वो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, चाहे चौधरी देवीलाल थे, भजनलाल थे, बंसीलाल थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनके पास जो है वो सीआईडी का चार्ज रहा, बतौर सीएम उनके पास महकमा रहा। तो पुरानी जो नोटिफिकेशन देखेंगे, पुराना जो जिस तरीके का हरियाणा में अब तक जो चलता आया है उसको देखेंगे, साथ ही जो
हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनने के बाद जो नोटिफिकेशन हुआ उसको देखेंगे और अब हरियाणा सरकार की विधानसभा की जो वेबसाइट है उसको देखेंगे। पवन रोकेंगे आपको इसी सवाल के साथ लौटेंगे। हमारे साथ राजीव जेटली जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव जेटली जी, जिस तरह से अब गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर आपको सीआईडी अपने पास रखना है तो पहले आपको कैबिनेट से पास कराना पड़ेगा फिर विधानसभा से, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या कुछ है? नहीं, आपका क्वेश्चन क्या, मैं समझा नहीं अभी तक पूरी बात। जिस तरह से सीआईडी विभाग आपके वेबसाइट में ये दिखा रहा है कि सीएम के पास है और उसी विभाग को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि ये विभाग आपको अगर अपने पास रखना है तो पहले आपको कैबिनेट से पास कराना पड़ेगा फिर विधानसभा से पास कराना पड़ेगा, तो क्या अग्नि परीक्षा से गुजरेगा ये विभाग? देखिए, गृह मंत्री जी ने ये बात जो कही है कि उसको पास करवाना पड़ेगा, तो उसका क्लेरिफिकेशन गृह मंत्री जी ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि उसके टेक्निकलिटी के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो है सीआईडी अगर मुख्यमंत्री जी के पास है और उसमें मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कहीं उसको दिया जाना चाहिए तो ये भी प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी के पास है। और अगर उसमें कोई टेक्निकल वजह लगती है आपको कि उसमें सीआईडी को हैंडओवर किया जा सकता है गृह मंत्रालय को, तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया होगी अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो फॉलो की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी। हाँ राजू, बिल्कुल राजू, जिस तरह से लेकिन ये लगातार विपक्ष भी हमलावर हो रहा है कि सीएम और गृह मंत्री के मत अलग अलग है, तो इसके बाद तो और वो हमलावर होंगे सर? नहीं नहीं, ये तो विपक्ष मुझे समझ नहीं आता हमारे हमारे किस तरीके के मतभेद है नहीं है। ये विपक्ष कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? हरियाणा में है कहीं पे भी विपक्ष है इस टाइम? साफ तौर पर कई मंचों से कहा गया है कि दोनों के मत अलग हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मत नहीं है हमारे, अलग एक ही मत है हमारा जी। लेकिन इस आधार पे बात रखी जाती है। अब जैसे आप अगर आधार की आप बात करें राजीव जी, तो जिस तरह से सीएम को सर्वे सर्वा भी इन्होंने बता दिया गृह मंत्री जी ने, और उसके बाद फिर सीएम के विभाग पर ये कह रहे हैं कि अगर ये विभाग आपको लेना है तो पहले आपको दो अग्नि परीक्षाओं से गुजारना पड़ेगा इस विभाग को। नहीं तो सीएम सर्वे सर्वा होते हैं, किसने कहा नहीं होते हैं? कोई कह सकता है, क्या विपक्ष का नेता भी कह सकता है इसको बात को कि सीएम सर्वे सर्वा नहीं होते हैं? सीएम का मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़े मंत्री। राजीव जी, बिल्कुल, लेकिन एक चीज ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब ये विभाग गृह मंत्री जी के पास था तो इसको वापस सीएम ने क्या लिया, क्या कुछ जरूरत आन पड़ी ऐसी? नहीं देखिए, प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचनी चाहिए। गृह मंत्रालय का अपने एक प्रोटोकॉल है काम करने का, गृह मंत्रालय का कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इंटेलिजेंस का मामला है, मुख्यमंत्री जी के पास होता है वो, सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्री के पास रहता है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से अनिल विज ने इसको फिसड्डी भी बता दिया था सीआईडी को, तो हो सकता है कुछ सुधार करने की इनके मन में जरूरत हो और उसके बाद सीएम ने इस विभाग को अपने संज्ञान में ले लिया है। देखिए, कोई अगर उसमें बेहतरी के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गृह मंत्री जी लेकर आएंगे और उसके ऊपर प्रक्रिया उसके हिसाब से कार्यवाही भी की जाएगी। अगर उसकी वो बेटरमेंट की जा सकती है तो क्यों नहीं की जाएगी, करनी चाहिए। और अगर गृह मंत्री जी कोई सुझाव देंगे तो मुख्यमंत्री जी उस पर अमल जरूर करेंगे। राजू जी, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से पिछले 5 साल यह विभाग सीएम के पास रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह विभाग फिसड्डी है और उसके बाद साफ तौर पर कहा यह जा सकता है कि उंगली कहीं ना कहीं से सीएम पर घुमा फिरा के उठा रहे थे। नहीं, मुख्यमंत्री जी को गृह सीआईडी के चीफ थोड़ी है जी। मुख्यमंत्री जी को रिपोर्टिंग होती है सीआईडी की। अगर सीआईडी विभाग की बात आ रही है कि विभाग में और बेटरमेंट किया जा सकता है तो ये बात गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर लेकर के आते हैं तो मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर गंभीरता से विचार करते हैं, इसके अंदर जो बेटर किया जा सकता है, जो बेहतर किया जा सकता है वो करा जाएगा। राजीव जी, किसी विभाग की जिम्मेदारी अगर आपके पास है तो जवाबदेही भी आपकी बनती है, अगर उस विभाग में कोई कमियां नहीं है। मैंने जी आपसे यही कहा कि अगर गृह मंत्री जी के कोई एहसास हुआ या महसूस हुआ कि जो भी व्यवस्थाएं चल रही है उसे और भी बेहतर किया जा सकता है तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है राजीव जी, राजीव जी, साकेत सुमन बात कर रहा हूँ आपसे। मैं सीधे तौर पर यह जानना चाहता हूं कि क्या ये जो 2 महीने के लिए ये सीआईडी महकमा गृह मंत्री के पास था, हालांकि होता ये गृह मंत्रालय के अंडर ही है, 2 महीने तक उनके पास रहा, क्या वो आमूलचूल परिवर्तन भी नहीं कर पाए कि इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी मुख्यमंत्री को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा मैं आपको बताता हूं कि जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं प्रदेशों के, जो इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग होती है वो मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर के पास ही होती है, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय भी ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के पास ही रहता है मैक्सिमम प्रदेशों। वही तो सवाल है ना राजीव जी, कि या तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही रहने दिया जाता, और अगर गृह मंत्री अनिल विज को बनाया गया तो फिर उनसे ये इस तरीके का व्यवहार, और अनिल विज ने सीधे तौर पर आज ये कह दिया कि मुख्यमंत्री ऐसे नहीं ले सकते, कैबिनेट में इसकी मंजूरी करवानी पड़ेगी। हाँ, तो अगर कैबिनेट में मंजूरी करवानी पड़ेगी तो अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि गृह मंत्रालय उनके सीआईडी उनके पास रहे
तो वो अगर मंजूरी करवानी होगी तो वो भी करवा ली जाएगी। तो फिर ये पोर्टफोलियो में, लेकिन जो कल पोर्टफोलियो आया उनका जिसमें 12वें नंबर पर सीआईडी मेंशन है मुख्यमंत्री के, बिना कैबिनेट की बैठक किए बिना कैबिनेट में मंजूरी दिलवाई, ये फिर अमेंडमेंट कैसे कर दिया गया? हाँ, तो अगर ये आज गृहमंत्री जी अगर ये चाहते, गृहमंत्री जी ने अगर ये बात कही होती कि मैं सीआईडी को अपने पास लेना चाहता हूँ, अगर वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सीआईडी जो है वो गृह मंत्रालय का इंटीग्रल पार्ट है, अविभाज्य, अविभाज्य, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं राजीव जी, ये अविभाज्य वो कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, अगर गृह मंत्री जी चाहते हैं कि सीआईडी उनके पास रहे और अगर वो मुख्यमंत्री जी से इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे को लगता नहीं कि जनता टीवी के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे या किसी मीडिया के माध्यम से करेंगे। सर, इसमें रिक्वेस्ट करने वाली बात क्या है सर? ग्रेट होम डिपार्टमेंट, मेरे से अच्छी जानकारी आपको पता है सर, होम डिपार्टमेंट सीधे तौर पर सीआईडी होम डिपार्टमेंट को ही रिपोर्ट करती है और उसके बाद अगर, चूंकि सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री हैं, हर महकमे के सर्वे सर्वा वो हैं, तो वो चाहे तो जानकारी ले सकते हैं, मांग सकते हैं और उनको जानकारी दी जाएगी। अनिल विज भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं, वो जिस भी डिपार्टमेंट की जानकारी चाहेंगे उनको जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे यही बात मैं भी कह रहा हूँ, जो आप मुझे कह रहे हैं यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि अगर गृह मंत्री जी चाहते हैं कि उनको जानकारी इंटेलिजेंस की गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाए, तो ये निर्णय ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, ये निर्णय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कर रहे हैं। राजीव जेटली जी, मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप ये नहीं मानते कि सीआईडी सीधे तौर पर होम डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? बिल्कुल आता है, होम डिपार्टमेंट के अंडर तो होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसका मतलब होम मिनिस्ट्री के अंदर आया और होम मिनिस्टर अनिल विज हैं, तो सीधे तौर पर ये डिपार्टमेंट उन्हीं को रिपोर्ट करेगा, उसके बाद होम मिनिस्टर चाहे तो सीधे तौर पर इसको रिपोर्ट करके बताएं कि इस महकमे में ये सारी चीजें हैं। चलो मैं इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी तक अजीत डोवाल जो हमारे राष्ट्रीय ऑफिसर हैं, इंटेलिजेंस देखते हैं, अभी तक उनकी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री जी को थी, अब सीडीएस बनने के बाद आप उनकी रिपोर्टिंग जो है वो गृह मंत्रालय के थ्रू और प्रधानमंत्री जी के पास जाती है, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे कि अब वो गृह मंत्रालय के थ्रू उनको रिपोर्टिंग होती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी चाहें उनकी रिपोर्टिंग लेना तो वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पोर्टफोलियो में लिख देंगे कि अजीत डोभाल उनको रिपोर्ट करेंगे सीधे, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना? नहीं, गलत नहीं होगा, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उनको रिपोर्ट करेंगे, ये प्रधानमंत्री के पोर्टफोलियो में नहीं है ना सर? नहीं, मैंने आपको बताया कि अगर नोटिफिकेशन जारी करके वो पोर्टफोलियो अपने पास रखना चाहते हैं तो पहले नोटिफिकेशन होगा ना सर, बाद में ना पोर्टफोलियो में आप शो करेंगे, नोटिफिकेशन हुआ नहीं, कैबिनेट की बैठक हुई नहीं, मंजूरी वहां पर मिली नहीं, उसके पहले ही आप मेंशन कर देते हैं 12 नंबर में कि सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे सीधे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए जो भी उचित कार्यवाही होगी, अगर गृह मंत्रालय को उनकी रिपोर्टिंग करनी है तो गृह मंत्रालय को करेंगे, अगर रिपोर्टिंग अपने पास रखना चाहते हैं कंफ्यूजन वाली स्थिति औपचारिकताएं होंगी। कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट क्यों कर दी गई? नहीं, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट नहीं हुई है, अभी तो गृह मंत्री जी ने अपनी बात रखी है और वो मीडिया में आई है और मीडिया के माध्यम से आंदोलन मैं और आप साकेत सुमन और मैं चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा कि इसके पीछे जो टेक्निकलिटी है वो मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी बहुत बेहतर जानते हैं, रिपोर्टिंग कब और कैसे और कहाँ रखनी है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, ये मुख्यमंत्री जी को निर्धारित करना। अगर मुख्यमंत्री जी निर्धारित करते हैं, सरकार की फजीहत हो रही है? नहीं नहीं, सरकार की फजीहत नहीं हो रही, आप चर्चा कर रहे हैं, देखिए अपने चैनल के ऊपर हमारे बारे में, और आप देखिए पिछले 5 साल से जो चर्चाएं होती हैं वो यही तो होती हैं, तो दूसरी चर्चा कभी हो पाई? हमारी सरकार के अंदर कमियां ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए देखिए आज आपने ये चर्चा करी है कि गृह मंत्री जी ने कहा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्टिंग किसको होनी चाहिए। कि आपकी सरकार में कमियां ढूंढना बहुत मुश्किल है, कमियों को उजागर कर दिया अनिल विज ने, कह दिया सीआईडी जो है वो फिसड्डी है, इसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, और 5 साल तक ये फिसड्डी डिपार्टमेंट, जो अनिल विज के मुताबिक फिसड्डी है, ये फिसड्डी डिपार्टमेंट, ये महकमा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता था। अगर मैं मजाकिया लहजे में इसका जवाब दूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि गृह मंत्री जी का अपना, अब जो गृह मंत्री हैं उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे अनिल विज जी, तब उन्होंने ये भी कहा था कि फ्लोर के ऊपर सारे इंटेलिजेंस के लोग लगे रहते थे, इसका मतलब वो बड़ी कड़ाई से अपना काम कर रहे थे। आज ये जरूर चर्चा हो रही है कि उसकी और बेटरमेंट कैसे की जानी चाहिए, तो वो उसके लिए अगर कोई सुझाव दिए जाएंगे तो जरूर अमल में लिया जाएगा। हमारे ही तो गृह मंत्री है, कोई कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री थोड़ी है, हमारे ही तो डिपार्टमेंट ही ले लिया। नहीं नहीं, मैंने कहा हमारे ही गृह मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही गृह मंत्री, आपने तो डिपार्टमेंट ही ले लिया उनसे। नहीं नहीं, अगर मैंने आपसे क्या बोला, अगर ये टेक्निकलिटी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं
कि मुख्यमंत्री जी इसको अपने पास रखे या गृह मंत्री जी को दे, तो वो ये डिसाइड किया जाएगा, म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा। लेकिन वो डिसाइड होने से पहले फैसला सुना दिया ना गया ना सर, ना ना सुनवाई हुई, ना गवाह हुए, ना पेशी हुई, सीधे तौर पर फैसला ऑन द स्पॉट हो गया। नहीं 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 नहीं, फैसला अभी कोई नहीं सुनाया गया, हम दोनों चर्चा कर रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। लेकिन आप पता नहीं स्क्रीन हमारी देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, उस स्क्रीन में हम आप तो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री का वो पोर्टफोलियो जिसमें उस 12 नंबर को हम हाईलाइट कर रहे हैं जिसमें वो लिखा गया है कि मुख्यमंत्री के पास सीआईडी महकमा है। हाँ तो बिल्कुल, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी ने कोई टेक्निकलिटी बताई है कि उस टेक्निकलिटी के तहत गृह मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री जी को अपने पास रखना है तो उसकी कैबिनेट मंजूरी लेनी पड़ेगी, अगर ये औपचारिकता है तो मुख्यमंत्री जी लेंगे। और आप सुनिए, और अगर ये औपचारिकता नहीं है, टेक्निकलिटी ये फुलफिल करती है ऑलरेडी, जिसका जवाब शायद मुझे लगता है कोई जो होम का सीनियर ऑफिसर है वही दे पाएगा, अगर वो जवाब देते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है सीएम साहब के पास रखने की, तो उसका भी ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब दिया जाएगा। और अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो जो औपचारिकता पूरी करनी चाहिए इसके लिए वो भी पूरी की जाएगी। चलिए शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में सीआईडी विभाग पर सीआईडी लगातार जिस तरह से राजीव जेटली जुड़े और उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन जिस तरह से सीएम के पोर्टफोलियो में साफ तौर पर 12वें नंबर पर यह जिक्र है कि सीआईडी डिपार्टमेंट इनके पास है, लेकिन उसके बाद अनिल विज का जो बयान सामने आया है वो कई तरह के सवाल पैदा करता है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि वेबसाइट से सरकारें नहीं चलती हैं, लेकिन जिस तरह से इनके सीएम के पोर्टफोलियो में साफ तौर पर यह मेंशन है कि 12वें नंबर पर सीआईडी डिपार्टमेंट का जिम्मा अब सीएम के पास है और अनिल विज का यह बयान इसी बीच आता है और अनिल विज साफ तौर पर यह कहते हैं कि वेबसाइट से सरकारें नहीं चलती हैं, अगर आपको कोई विभाग अपने अधीन लेना है तो आपको सबसे पहले उसको कैबिनेट से पास कराना पड़ेगा और उसके बाद विधानसभा से उसको पास कराना पड़ेगा, तो यानी कि कई अग्नि परीक्षाओं से गुजार कर फिर वो डिपार्टमेंट आप लिख सकते हैं, लेकिन सीएम के पोर्टफोलियो में सीआईडी विभाग का 12वें नंबर पर होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। और विभाग बदलना है तो विधानसभा में पास कराओ, ऐसा कहा है गृह मंत्री अनिल विज ने। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। जयप्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद सर। ये 12वें नंबर पर मेंशन है कि सीआईडी डिपार्टमेंट अब सीएम के पास है और अनिल विज का पलटवार आता है कि अगर आपको डिपार्टमेंट लेना है तो पहले पास कराना पड़ेगा। देखो ये तो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है किसको क्या डिपार्टमेंट देता है। आज तो जो मुझसे बात हुई थी, सबसे ज्वलनशील मुद्दा है कि 90 करोड़ रुपए का धान घोटाला ACS की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर हुआ है। ये बार बार एक नंबर का इशू नहीं है। आज इशू ये है कि जिस तरीके से जो बात नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में उठाई थी और आज वो सच साबित हुई, तो मैं तो केवल उसके ऊपर कहना चाहूंगा लोगों ने पीवी की है उनको सस्पेंड करना चाहिए, जो इनका मंत्री है खाद्य पूर्ति विभाग का जो छोटा मुख्यमंत्री है उसमें इस्तीफा देना चाहिए। और जो 90 करोड़ का धान घोटाला खुलकर सामने आया है, लगातार जनता को दिखा रहे हैं और हरियाणा की 2.5 करोड़ की जनता देख रही है हमें, और जिस तरह से 90 करोड़ का धान घोटाला फिजिकल वेरिफिकेशन में सामने आया है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, लेकिन 500 करोड़ का है, 500 करोड़ रुपया लूट लिया है जी दुष्यंत जो चौटाला जो जयप्रकाश जी, उस मुद्दे पर भी उस बात पर भी सवाल करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से असली मुद्दा जयप्रकाश जी असली मुद्दे पर भी हम लगातार बात करते आ रहे हैं और हमने ही जनता टीवी ने ही सबसे ज्यादा प्रमुखता से धान घोटाले को उठाया और आवाज बुलंद की हरियाणा की जनता की। लेकिन जयप्रकाश जी, जिस तरह से आज ये स्थिति सरकार के अंदर है कि कोई विभाग आप अपने पोर्टफोलियो में 12वें नंबर पर मेंशन कर देते हैं और उसके बाद उसी आप ही के पार्टी के गृह मंत्री आकर कहते कि अगर आपको कोई विभाग लेना है तो आपको उसको 2 अग्नि परीक्षाओं से गुजारना पड़ेगा। नहीं, ये तो देखो ये तो उनका अपना विद इन पार्टी मामला है जी। आज जो ज्वलनशील मुद्दा है आज वो है गृह विभाग चीफ मिनिस्टर के पास रहे या गृह मंत्री के पास रहे, उनका इंटरनल मैटर है, इसमें हमारा को मामला नहीं है। मेरा इशू ये है और मैं जनता जो सुन रहे हैं मैं उनको सुनाना चाहता हूँ, जो लड़ाई विपक्ष ने, अब हमारे एक मित्र बीजेपी के कह रहे थे हरियाणा में विपक्ष नहीं है, मैं उस साथी से कहना चाहता हूँ अगर हरियाणा में विपक्ष नहीं है, विपक्ष कहीं नहीं है, हरियाणा के विपक्ष के नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में मामला उठाया था, अगर इंसानियत और गैर हरियाणा में सत्ताधारी विपक्ष है हरियाणा के अंदर और लगातार विपक्ष और मीडिया सवाल उठाता रहेगा। जयप्रकाश जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।